गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ओरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक हीटिंग, जिसमें अभी तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम लोग के पास केवल दो हीटिंग, एक हम लोग के पास आर्क हीटिंग और दूसरा माइक्रोवेव ओवन बचा हुआ है। तो आज के टॉपिक में हम लोग इसी को देखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्क फर्नेस के बारे में या आर्क हीटिंग कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आर्क फर्नेस। ठीक, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्क होती क्या है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी दो इलेक्ट्रोड हों, है ना, कोई भी दो इलेक्ट्रोड हों और उसको जब हम लोग सप्लाई से जोड़ देंगे, ठीक, और इस प्रकार जोड़ें कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में कुछ ना कुछ क्या रहे, एयर गैप। ये क्या है बच्चों, एयर गैप, एयर गैप हो गया। अब जब आपका ये पाथ कंप्लीट नहीं है तो करंट यहां पर नहीं फ्लो करेगी। ठीक, लेकिन अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में पास लेकर आए तो जब ये एयर जो है इनके बीच की, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। एयर का ब्रेकडाउन होने का मतलब कि वो अब कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो जब एयर का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर ऐसा जाने लगेंगे। ठीक, और यही परिभाषा कहलाती है हम लोग की आर्क। मतलब क्या हुआ, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एयर, यानी इलेक्ट्रॉनों का वायु में प्रवाह ही क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है या फिर स्पार्क कहलाता है। ठीक है, तो कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हमेशा बहेगा। कंडीशन क्या है कि जब वो एयर ब्रेकडाउन हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, एयर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो 33 केवी पर सेंटीमीटर है। 33 केवी पर सेंटीमीटर है, ठीक है, एमएम में नहीं है। एमएम में करेंगे तो 3.3 हो जाएगा, 3.3 केवी पर एमएम हो जाएगा। ठीक, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है कि आर्क कैसे हमने उत्पन्न कराई। तो अब इससे आर्क जो है, ठीक, उससे हम लोग को प्रकाश भी प्राप्त होता है और उसमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जैसे हम लोगों ने इल्यूमिनेशन में पढ़ा था आर्क लैंप, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, आर्क प्रोड्यूस करने का मेथड सेम था। आर्क जो प्रोड्यूस कर रहे थे उसका हम लोग लाइट एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे थे। ठीक, यहाँ पे हम लोग को इसी आर्क की हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना है, उसको उपयोग में लाना है। ठीक, यानी जो ये आर्क है उसका मैक्सिमम पोर्शन हमारा हीट को प्रोड्यूस करे और उस हीट को हम चार्ज को पिघलाने में या पदार्थ को गर्म करने में प्रयोग में लाएंगे। ठीक, तो चलिए, अब जो ये आर्क फर्नेस है, मेथड समझ में आ गया कैसे ये काम करेगा। अब जो फर्नेस है इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्शन फर्नेस दो टाइप की थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेम उसी वे में हम लोग का ये भी रहेगा। एक हम लोग का डायरेक्ट आर्क फर्नेस होगी और सेकंड हम लोग की इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस हो जाएगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, चलिए समझ लेते हैं कि इसमें होगा क्या। देखिए, ये हो गया हम लोग का फर्नेस, ठीक, उसकी आउट लेयर। इसको हम लोग बनाएंगे ऐसे पदार्थ से, ठीक है, जो उष्मा को रोक सके, मतलब अंदर की उष्मा बाहर ना जा पाए। ठीक, फायर प्रूफ ब्रिक से, यानी अग्निशा ईंटों से बनाएंगे इसको। अब देखिए, यहाँ पर लगा देंगे इलेक्ट्रोड, ठीक, लगा देंगे इलेक्ट्रोड। अब जैसे सप्लाई हो, सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड की जो संख्या है वो क्या होगी, बदलती हुई चली जाएगी। ठीक है, और ये इसी फर्नेस के अंदर जो होगा क्या होगा, चार्ज, यहीं पर क्या होगा, चार्ज। चार्ज का मतलब जिस पदार्थ को हमको पिघलाना है या गर्म करना है। ठीक, इलेक्ट्रोड, ये दोनों ही क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं। अब बात आई कि इलेक्ट्रोड किससे बने होंगे, तो इलेक्ट्रोड को हम लोग कार्बन का या फिर ग्रेफाइट का बनाते हैं, कार्बन या ग्रेफाइट का बनाएंगे। ठीक,
चाहे वो डायरेक्ट फर्नेस हो चाहे वो आपका इनडायरेक्ट फर्नेस हो। ठीक है, इलेक्ट्रोड बन गया, चार्ज हो गया। जब आप सप्लाई दोगे तो चार्ज भी एक पोलैरिटी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, ये चार्ज और इस इलेक्ट्रोड के बीच में हमको दिख रहा है क्या है, एयर गैप है, वायु अंतराल है। जब इसके बीच की एयर ब्रेकडाउन हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों, आर्क इसके बीच में प्रोड्यूस हो जाएगी और जो आर्क यहाँ उत्पन्न हुई है उसी की हीट एनर्जी से ये जो चार्ज है ये गर्म होगा या फिर पिघलाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा इकोनॉमिकल मेथड है और इफिशियंसी भी इसकी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट फर्नेस। ठीक, कैसे है, क्यों है, अभी इसको समझते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट। तो देखिए इसमें भी भट्टी बनाई गई, फर्नेस बनाया गया। ठीक है, ये हो गया उसका इलेक्ट्रोड, ये दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं, सेम मटेरियल कार्बन या फिर ग्रेफाइट के बना दिए जाएंगे। अब इसमें यहां पे क्या रख दिया गया, चार्ज, यहां पे रखा गया चार्ज, सप्लाई दी गई। तो वही, जब तक एयर का ब्रेकडाउन नहीं होगा आर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। एयर का ब्रेकडाउन हुआ और यहां से क्या हो गई, आर्क आपकी उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई। ठीक है, आर्क उत्पन्न हुई लेकिन ये आर्क बिटवीन टू इलेक्ट्रोड उत्पन्न हो रही है, जबकि डायरेक्ट फर्नेस में हम लोगों ने देखा था कि आर्क इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में उत्पन्न हो रही है। तो सीधी सी बात है, यहां पे यानी इनडायरेक्ट फर्नेस में जो आर्क उत्पन्न होगी अब उसकी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी चार्ज पर, जबकि डायरेक्ट वाले में क्या था, सीधा यानी प्रत्यक्ष रूप से चार्ज को ही आर्क मिल रहा है, यानी आर्क से जो हीट एनर्जी है उसका मैक्सिमम पोर्शन हमारे चार्ज को प्राप्त हो रहा है। तो जब इसमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है हीट, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि इनडायरेक्ट वाले की कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये बेसिक सा कंस्ट्रक्शन को और इलेक्ट्रोडों को लेकर डिफरेंस था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्नेस में। ठीक है, अब अगर बात करें आर्क फर्नेस की, तो याद रखिएगा बंधु कि आर्क फर्नेस से 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस, 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उत्पन्न करा सकते हैं। ठीक है, और सैकड़ों टन यानी लगभग 100 टन और ये 100 टन से 130 टन की क्षमता वाली भट्टियां होती हैं। ठीक, यानी जो चार्ज है वो इतना आ सकता है, ये 100 टन डायरेक्ट वाले में, इनडायरेक्ट वाले में 100 से 130 टन। अगर आपसे पूछे कि इफिशियंट कौन सी ज्यादा होगी, तो इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी, डायरेक्ट आर्क फर्नेस की। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो चार्ज है उसको यहां पर आर्क सीधा सीधा मिल रही है, जबकि इसमें जो आर्क है या हीट एनर्जी है वो आपकी प्रत्यक्ष ना मिलकर बल्कि इनडायरेक्टली रूप से चार्ज को प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिक था आपका आर्क फर्नेस के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे जो लास्ट बचा हुआ है हीटिंग में, माइक्रोवेव ओवन के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो फर्नेस को लेकर ऑब्जेक्टिव में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब आप याद रखिएगा जिससे आपको ऑब्जेक्टिव करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन की, सूक्ष्म तरंग ओवन। ठीक, देखिए तो पहली बात तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक छोटा सा रैक टाइप का होगा जिसमें अलमारी जैसी संरचना होगी और इस पर ये कुछ ऐसे अगर बना दें, देखिए ठीक है, एक ही रैक बना लेते हैं। ये इसी में आपका ये रैक टाइप का ऐसे रखा हुआ है, ठीक, डोर लगा होगा, डोर को आप बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और जिस पदार्थ को गर्म करना होगा, जिस भी पदार्थ को गर्म करना होगा उसको इसी रैक पर, एक कांच की प्लेट होगी उसी पर रख दिया जाएगा, जो भी पदार्थ गर्म करना है इसी पे क्या किए, रख दिए। ठीक, अब प्रिंसिपल क्या है इसका, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था एक डाई इलेक्ट्रिक फर्नेस या डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। ठीक है,
या फिर इसको क्या बोलते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर मेथड भी बोला जाता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। तो इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उसी पदार्थ के अंदर ही उत्पन्न होगी। वही सेम चीज होता है माइक्रोवेव ओवन में भी, यानी जिस पदार्थ को गर्म करना है उसी पदार्थ में ही डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस होती है, हम कहीं से ट्रांसफर नहीं करते या हीट को कहीं अलग से उत्पन्न नहीं कराते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका? तो छोटा सा प्रिंसिपल है कि भैया लो फ्रिक्वेंसी का सप्लाई दीजिए आप और उसको कन्वर्ट करिए हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में, यानी सहायता लेनी पड़ेगी किसकी, फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर की, फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो लो फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दिया गया हाई फ्रिक्वेंसी में। अब ये जो हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जब भी किसी पदार्थ के अंदर से होकर जाएंगी तो क्या होंगी, उसको गर्म करना स्टार्ट कर देंगी। भाई अणुओं से टकराएंगी तो उनके कोलिजन कारण क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रिंसिपल का यूज कर लेते हैं माइक्रोवेव ओवन में। मतलब ये जो कांच की प्लेट थी उसी के ऊपर पदार्थ रखा था जिसको हमें गर्म करना है। ठीक है, तो जब तरंगे इस पदार्थ से होकर गुजरेंगी, ठीक, तो ये पदार्थ क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए तरंग तो खाली इसी स्थान पे पड़ रही है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस जो कांच की प्लेट है उसको बनाते हैं रोटेटरी, यानी ये क्या है, धीमे धीमे गस से रोटेट करती रहती है। रोटेट करने से बेनिफिट ये मिला कि जो यहाँ पे पदार्थ रखा हुआ है वो एक समान रूप से गर्म होगा, हर तरफ से क्या होगा, एक समान रूप से गर्म होता हुआ रहेगा। ठीक, बात समझ में आई। तो हम लोग यहाँ पर टाइमर, इलेक्ट्रिक टाइमर्स लगा देते हैं जिसकी सहायता से कितने देर तक पदार्थ को गर्म करना है ये डिसाइड किया जा सकता है, यानी प्रकार से ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। आपने टाइम सेट कर दिया, उतने समय तक तरंगे इस पदार्थ से होकर गुजरेंगी और ये पदार्थ क्या होगा, गर्म होता रहेगा। ठीक है, तो अब बात ये आई कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, इससे अच्छी अच्छी विधियां हम लोग के पास हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जहां हमको बहुत ज्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं कि पदार्थ को गलाना है पिघलाना है, केवल उसको गर्म करना है। जैसे अगर हम लोग बात करें जो दवाएं बनती हैं, ठीक है, मेडिसिंस जो बनती हैं, ऐसे मेडिसिंस में हम इसका यूज करते हैं क्योंकि उनको गर्म करना होता है, एक निश्चित तापमान तक रखना होता है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक, या फिर अगर खाद्य पदार्थ हों, जैसे केक की बात कर ली जाए, ठीक, पेस्ट्रीज की बात कर ली जाए, इन सबको क्या, गर्म रखने के लिए भी हम लोग माइक्रोवेव ओवन्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं जगहों पर प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक है, जैसे लैब में ठीक है, केमिस्ट्री लैब हो गई आपकी, फिर आपके खाद्य पदार्थों को, जो भी खाने वाले पदार्थ हैं उनको गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन का यूज किया जाएगा। तो प्रिंसिपल काफी छोटा सा ही है, बस ये लो फ्रिक्वेंसी थी उस सिग्नल को चेंज कर दिया गया हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में, और यही जो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं जब पदार्थ से गुजरेंगी तो सीधी सी बात है भाई, जब वो जा रही हैं तो उनके मार्ग में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा, रुकावट होगी, उसका वो विरोध करेंगी और टकराएंगी जब उससे, तो वहां से वो हीट एनर्जी को उत्पन्न करेंगी। तो टकरा किससे रही है, उसी पदार्थ से जिससे उसको गर्म करना है जिसको, तो जब उसी से टकरा रही है तो ऊष्मा क्या हुई, उसी पदार्थ में ही उत्पन्न हुई। इस बात को याद रखिएगा, डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग और जो माइक्रोवेव ओवन्स में हीटिंग का प्रोसेस है, ठीक, उन दोनों ही प्रक्रियाओं में जो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है वो उसी पदार्थ में उत्पन्न होती है जिसको गर्म करना होता है। ठीक, अधिक तापमान डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग यूज कर लिया गया, और जब उसको केवल हल्का हल्का गर्म करना है एक निश्चित तापमान तक, तो वहां पर यूज कर लिया गया माइक्रोवेव ओवन का। ठीक है, तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक हीटिंग का लास्ट टॉपिक था। आपने जितनी भी फर्नेस आपके सिलेबस में थी वो सारी कवर हो गई हैं। इसके बाद हम लोग कूलिंग के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप इस टॉपिक को कवर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।